हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। छात्रों, आज हम लोग जो डिस्कशन करने चल रहे हैं वो सोशियोलॉजी फॉर एंटीएनएट के लिए और हाउ टू प्रिपेयर न्यू सिलेबस। देखिए, न्यू सिलेबस आ चुका है, ठीक है ना। काफी दिनों तक ये भ्रम में बना रहा कि नया सिलेबस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनली जब एंटीएनएट की साइट पर आ गया तो फिर छात्रों अब यह नया सिलेबस आ चुका है और उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स नोट्स क्या आपके पास में होने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उन सभी छात्रों से, मित्रों से, साथियों से क्षमा प्रार्थी हैं कि बहुत दिनों तक वीडियो हम नहीं डाल पाए हैं, लेकिन उसका कारण रहा हेल्थ इशू, लेकिन अब वो सॉर्ट आउट हो चुका है छात्रों। तो अब वन टू वन करके जो जीडीसी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ठीक है ना, 19 मई को जो जीडीसी का एग्जामिनेशन है उसके भी वीडियो आपको वन टू वन करके मिलेंगे और साथ ही साथ में एनटीएनएट के लिए जो नया पैटर्न आया हुआ उस पर। तो आज हम लोग छात्रों एनटीएनएट के नए पैटर्न पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसमें नया पैटर्न क्या आया हुआ। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो ये सिलेबस आपको प्रोवाइड किया। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो फर्स्ट आपको दिख रहा है ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है ना। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में तो आप यहाँ पर देखेंगे क्लासिकल ट्रेडिशंस में क्या आ रहे हैं, ठीक है ना, जो शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं हैं उसमें क्या। तो उसमें एमिल डर्खाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ये तीन थिंकर आपके, पहले तो पांच थिंकर आप पढ़ते थे छात्रों, यानी अगस्त कॉन्टे और हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगस्त कॉन्टे और हर्बर्ट स्पेंसर अब यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो अब दो लोग यहाँ, तीन लोग बचे हुए हैं, एमिल डर्खाइम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स। तो अब यहाँ पर स्ट्रेटजी बनती है कि क्या आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो बदलाव किया गया, जो चेंजेस आए हुए हैं, उस चेंजेस के पीछे रीजन है कि अभी तक हम इनिशियली लेवल पर, जैसे सोशियोलॉजी जहां से जन्म लिया था उसी की बात करते थे, हम उसके ग्रोथ की बात नहीं कर पाए थे। पहली बात, सिलेबस चेंज करके हम ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को सुनिश्चित कर पाए, ठीक है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे भी छात्रों, जैसे एक चीज मैं बता दूं कि क्या अगस्त कॉन्टे और स्पेंसर पे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, क्या वो रिलेवेंस है आपके लिए, तो निश्चित रूप से छात्रों रिलेवेंस होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज वहां पर आ रही है वो ये है कि सोशियोलॉजी के एस्टैब्लिशमेंट में तो इन्हीं दोनों लोगों का योगदान रहा। देखिए, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉन्टे को कहा जाता है और दूसरी चीज, सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। तो छोटी छोटी थ्योरियां हैं छात्रों, उनको आप लोगों को क्या करना है कि प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना। और वो भी आप डायरेक्टली नहीं, थिंकर बेस पे नहीं, सबसे पहले तो आपको जो मतलब मेरे हिसाब से जो प्रिपरेशन करनी चाहिए कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या, उसकी डेफिनेशंस क्या है और उसके स्कोप क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, और इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी सबसे बड़ी चीज है। जब इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, बिना कोई सब्जेक्ट आप पढ़ने चल रहे हैं और इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी ना पढ़ें, ये दिया नहीं गया, लेकिन ये कॉमन सेंस के आधार पर एक्चुअल में ये एमिल डर्खाइम इसलिए दिया गया छात्रों, क्योंकि इन्होंने जो सोशियोलॉजिकल मेथड है सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो जो स्टडी करने का काम है वो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो एमिल डर्खाइम महोदय ने विशेष रूप से मेथड देकर के स्टडी किया, इसीलिए इन तीनों को कंपैरेटिव स्टडी करना है, एमिल डर्खाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स का। तो इसके लिए स्रोत आप सभी लोग जानते हैं कि जो पहले दोषी ओम जैन की बुक आती थी सोशल थिंकर करके, उसमें बड़े लेवल पर इनको दिया गया। तो अगर ये पहली यूनिट के अंदर, मतलब जो फर्स्ट यूनिट का वो सब चैप्टर वन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस पर डिटेल में काफी बड़े लेवल पे स्टडी होनी चाहिए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अभी देखिए लास्ट टाइम भी स्पेंसर पर क्वेश्चन, अगस्त कॉन्टे पर क्वेश्चन बना हुआ था, एमिल डर्खाइम पर भी क्वेश्चन बना और लोग गलत करके आए। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज आपको नहीं है, इसको इग्नोर करके चले, वन टाइम बिना रिवाइज करे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये पुराने नोट से आप उठा करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर से उठा करके इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पर हम लोग फोकस करेंगे, देखेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म की बात की जाए, तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, संरचना। तो देखो, संरचना की जब भी बात की जाती है तो मैंने बताया संरचना शब्द का जो प्रयोग किया हुआ था सोशल स्ट्रक्चर का, वो स्पेंसर महोदय ने किया था। तो इसका मतलब फिर से शुरुआत आपको करना चाहिए, कोई भी स्टार्टिंग करें तो आप बेसिक से लेकर के उसको करें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर बाद आदमी आगे चल करके संरचना पर विशेष रूप से किन लोगों ने कार्य किया, जैसे उसमें मेलनोस्की का नाम आ जाता है, रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आ जाता है, टेलकट पार्सन्स का। तो देखिए, मेलनोस्की, ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन तो संरचनावाद के लिए, संरचना के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो इसका मतलब आप स्टार्टिंग से करें और संरचना का शब्द का प्रयोग कैसे हुआ उसके बारे में वन टू वन करके कैसे बढ़ गए। तो खासतौर से फंक्शनलिज्म की बात की जाएगी, तो दुर्कीम देख लीजिए स्टार्ट करता फंक्शनलिज्म, तो अगस्त कॉन्टे की थ्योरी में भी देखने को मिलता है, लेकिन फंक्शन टर्म का ही यूज किया था सबसे पहले स्पेंसर ने। तो उनको फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको एक बार उनको वापस जाकर के देखना ही होगा कि वो किस संदर्भ में यूज करते हैं और आगे चल करके डेवलप फॉर्म में क्या हुआ। तो फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म पर भी ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना।
तो ब्रॉन्सिला मैनलोस्की, रेडक्लिफ डाउन की थ्योरी, टेलकट पर्सन, रॉबर्ट के अमेरिकन और क्लॉड लेवी स्ट्रास, ठीक है ना। ये इतनी थ्योरियां जो है ये ऑलरेडी मतलब हम लोग एसएप मॉडल भी इसी के साथ में पढ़ाए हुए हैं, तो ये पुरानी थ्योरी उसमें दिया गया, पुराने नोट्स में ये सब सारा कुछ दिया गया। तो अभी तक जितने थिंकर्स हैं वो आपको पुराने थिंकर्स, इसमें कोई नया थिंकर नहीं है, पुराना डेटा है आपके पास में, आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, पुराने क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला एक है हर्मेन्यूटिक, हर्मेन्यूटिक एंड द इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस के बारे में। तो अब यहां से एक नई ट्रेंड स्टार्ट होती है, मतलब व्याख्यात्मक के बारे में। हर्मेन्यूटिक मतलब होता है व्याख्या समझ की बात की जाती है, इंटरप्रिटेटिव जो निर्वचनात्मक चीजें होती है, अर्थात क्लॉड लेवी स्ट्रास के बाद में आगे की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ब्लूमर बताता है इंटरप्रिटेटिव की बात। तो यहां पर देखेंगे ट्रेडिशन में गए तो जीएस मीड, अब देखिए सर, देखिए छात्रों यहाँ पर ब्लूमर भी लगे हुए थे पहले, लेकिन अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ब्लूमर नहीं लगे हुए, ठीक है ना। तो ब्लूमर नहीं हुए तो क्या हुआ, क्योंकि हर्बर्ट मीड ने तो जो इंटरप्रिटेटिव थ्योरी है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है, उसके बारे में स्टार्टिंग की थी। एक्चुअल में जो इस पर डेवलपमेंट मीड के छात्र ब्लूमर ने ही दिया हुआ था, तो आपको ब्लूमर की थ्योरी यहाँ पर अपने आप से पढ़नी है, जो कि यहाँ हर्बर्ट ब्लूमर को आपको पढ़ना है अच्छे से, जो कि यहाँ पर नहीं दिए गए, पहले दिए गए थे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने हर्मेन्यूटिक की जो व्याख्यात्मक समझ की बात है, जैसे हर्मेन्यूटिक की जो वस्तेहन के माध्यम से स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर, तो वहां से आपको इसको ऐड करके और उसके बाद में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरी चीज है इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस की बात की जा रही है, तो इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस का मतलब ये हो गया कि जो निर्वचनात्मक, निर्वचन मतलब हो गया सिम्बॉलिक इंटरेक्शन की बात की जा रही है। तो मीड साहब ने क्या कहा, इसमें कार्ल माइनहीम के क्वेश्चन पहले आ जाते थे लेकिन वो अलग से नहीं दिया, तो अब आपको साफ साफ यहाँ पर नया क्वेश्चन, मतलब नए क्वेश्चन आपको बनेंगे कार्ल माइनहीम से, ठीक है ना। तो कार्ल माइनहीम के बारे में, इनके बारे में आप स्टडी कर लेंगे, कोई भी पुरानी किताब उठाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, जैसे असल दोषी हो गए या हरकृष्ण रावत हो गए, तो इसमें सब में कार्ल माइनहीम के बारे में दिया गया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अल्फ्रेड सूद की बात की जाएगी तो सूद के बारे में हो गया, गारफिंगल, गॉफमैन, ठीक है ना, ये सारे जो है ये आपको फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी के अंतर्गत आप आते हैं, इनके बारे में भी आपने डिटेल में स्टडी की है, तो इसलिए इस पे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें एक नया जो सबसे लास्ट में लगे हुए हैं वो क्लिफोर्ड गीट्स महोदय है, ठीक है ना। क्लिफोर्ड गीट्स महोदय ये बेसिकली छात्रों अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। तो मतलब ये इनको इंक्लूड किया गया है, और खासतौर से इनको क्यों किया गया, चूंकि ये देखो हर्मेन्यूटिक्स की बात की जा रही है, तो हर्मेन्यूटिक्स हो गया और सिंबॉलिक इंट्रैक्शन की बात हो रही है, लेकिन सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट रहा है, ठीक है ना। मीट तो थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल रखते भी हैं, लेकिन ब्लूमर आगे चल करके सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और साथ साथ में एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू भी रखता है। तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू एक न्यू है, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब कह लीजिए कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनको हम कह सकते हैं, हर्बर्ट क्लिफोर्ड गीट जी को, ठीक है। तो ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन करते हैं कल्चर के बारे में, जो कल्चर इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में बात करते हैं, खासतौर से एथनिक डाइवर्सिटी के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया हुआ, ठीक है ना। तो इनकी विशेष रूप से स्टडी कहाँ पे रही है ये आप जान लें, थोड़ी बहुत चीजें मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इस पे क्लासेज चल रही है छात्रों। और एक थोड़ा सा मैं बात बताना चाहूंगा कि कैसे आप इसकी प्रिपेयर, देखो बुकें तो मैंने बता, मैं बीच बीच में बुकें बताते चलूंगा, मैटर कैसे क्या है, कैसे क्या पढ़ना है, ये सब चीजें बता, मतलब पूरे सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज ये समझ लीजिए कि जो मार्च के अंदर अंदर में तो जो ये नए थिंकर हमारे हैं, चार पांच जो नए थिंकर अभी मैं बात करूंगा, जैसे इसमें पहला थिंकर जो आपको मिल रहा है क्लिफोर्ड गीट्स मिल रहा है, बाकी सब थिंकर के बारे में ऑलरेडी, कार्ल माइनहीम भी नए हैं, ठीक है ना। एक्चुअली क्वेश्चन आता था हम नए हैं, तो कार्ल माइनहीम हो गए, क्लिफोर्ड गीट्स हो गए, इन पे मैटर आपको अवेलेबल हो जाएगा, बाकी सब पुराना मैटर मैंने आपके लोगों के लिए अच्छे से बना करके रखा हुआ, जिनको भी जरूरत होगी तो वो हमसे बताएंगे तो उनके पास में भिजवा दिया जाएगा। अब इसमें बात की जाएगी क्लिफोर्ड गीट्स के बारे में, तो अब ये एक्चुअली ये जो इंडोनेशिया है, ठीक है ना, अब ये इंडोनेशिया और उसमें जावा है, सुमात्रा है, बाली, ये जो आइलैंड बने हुए द्वीप हैं, उनकी स्टडी इन्होंने किया, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनकी स्टडी किया, किनसिप इन बाली में स्टडी किया हुआ है, ठीक है ना। ये खास तौर से सोवेरन सोबियर लोकल एंड सोबियर ग्लोबल के बारे में स्टडी की, लोकल चीजें क्या होती हैं, ग्लोबल चीजें क्या, उसके बारे में आपकी समझ क्या है, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने मतलब जो है अच्छे से इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, कल्चर कैसे होती है उसकी व्याख्यात्मक समझ क्या है अच्छे से इन्होंने किया, खासतौर से एग्रीकल्चरल इंडोनेशिया के बारे में भी इन्होंने अच्छे से स्टडी किया हुआ, ठीक है ना। और ये इकोलॉजी पर भी अच्छी खासी स्टडी करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल चेंज इन इंडोनेशिया, इस पे
बेहतरीन स्टडी किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मतलब एक सिमेटिक कल्चर के बारे में वो डिस्कस करते हैं कि सिमेटिक मतलब कल्चर कैन अंडरस्टूड एज अ स्ट्रीम ऑफ सिम्बॉलिक मीनिंग, ठीक है ना। किसी भी चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब छात्रों यहाँ कुल मिलाकर के ये है कि आपको क्लिफोर्ड गीट्स के बारे में काफी कुछ मैटर है और थोड़ा सा दो अप्रोच लेकर चलना है। एक आपको सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच इनका पढ़ना है, एक एथनिक डाइवर्सिटी पर जो इन्होंने स्टडी किया हुआ है, उसके बाद में सेमियोटिक कल्चर के बारे में जो स्टडी किया हुआ है, और खासतौर से जो इन्होंने बाली जावा सुमात्रा और इंडोनेशिया में खासतौर से एग्रीकल्चरल जो इंडोनेशिया वाला पार्ट था इकोलॉजिकल वो इन्होंने स्टडी किया हुआ, तो इस पे आपको फोकस करना है। इस पे भी अच्छे खासे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब चलिए देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा क्या कहता है। तो मोस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो भाई एक चीज यहाँ पर जो आपको बढ़िया मतलब नई चीज मिल रही है वो आपको मिल रही है पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर, ठीक है ना। ये पार्ट आपके साथ में नया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप इस पे कौन नए थिंकर्स हैं लगे हुए हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आपका पार्ट पोस्ट स्ट्रक्चर कॉलोनियलिज्म है इस पे कौन जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें जो एक नाम सबसे ऊपर आ रहा है एडवर्ड सेड, तो एडवर्ड सेड की जो स्टडी है वो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडी खासतौर से अमेरिका में, अमेरिका भी उपनिवेश रहा है यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब वहाँ आजादी होती है तो उसके पहले मतलब उसके बाद में किस प्रकार से परिवर्तन आया उस पर इनका अच्छा खासा स्टडी है, तो आपको इस पर भी मैटर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल में ये मैटर कहाँ से मिलेगा छात्रों, तो ये तो अभी देखिए मार्केट में आया नहीं है, तो बुकें तो मतलब बंद करके अपडेट होकर के आ रही है, लेकिन अभी जो मार्केट में आएंगी भी वो छात्रों गाइड आएंगी, ठीक है ना। तो आप इसको मैगजीन के माध्यम से या जो सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है इन सब चीजों के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से आप इस पे अच्छी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट, और दूसरी बात यहाँ पर जो आ रहा है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो ये पहले से बना होता है, पूरे पियर वर्दियू को देख लीजिए या आप पीछे इसमें जो है एंथोनी गिडेंस को देख लीजिए। तो ये जो नाम है ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से संरचनावाद से जुड़े हुए हैं, और पोस्ट मॉडर्निज्म से देखा जाए तो वर्दियू है, माइकल फूकॉल्ट है, जुर्गन हार्वर मास है, तो ये पुराने थिंकर्स हैं छात्रों, इस पे आप स्टडी कर चुके हैं, मतलब आपको एडवर्ड सेड ये आपको पोस्ट कॉलोनिज्म को मिलते हैं, और एक नया नाम इसमें जो मैनुअल कैस्टल्स हैं, ठीक है छात्रों, यहाँ पर जो मैनुअल कैस्टल्स हैं इस पे आपको अच्छा खासा मतलब मिलेगा। ये एक स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट हैं और ये बेसिकली अर्बन प्लानिंग पर इन्होंने किया हुआ, तो अर्बन प्लानिंग का मतलब यह हो गया कि इन्होंने अर्बन प्लानिंग को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है ना, जो सस्टेनेबिलिटी है उसको जोड़ करके किया हुआ है, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अर्बन एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी को जोड़ करके और इन्होंने स्टडी किया हुआ है अर्बन प्लानिंग के बारे में, कम्युनिकेशन स्टडी पर भी इन्होंने किया हुआ, ठीक है ना। तो ये जो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो, या इंफॉर्मेशन एज के बारे में कि अभी देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का युग चल रहा है, तो जो नई चीजें निकल कर रही हैं उस पे मैनुअल कैसल्स की स्टडी है और जो है आपको इस पे अच्छे खासे मैटर मिलेंगे, ठीक है ना। या देखिए नया है कि द राइज अप नेटवर्क ऑफ सोसाइटी, इस पे भी उन्होंने जो है स्टडी किया हुआ, द पावर ऑफ आइडेंटिटी एंड द एंड ऑफ मिलेनियम, ये भी स्टडी का इनका पॉइंट रहा। तो ये सब ऐसे पॉइंट रहे हैं जहां पर मैनुअल कैसल्स, तो आपको याद रखना है कि इस पे भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद में कैसे न्यू सोसाइटी डेवलप हो रही थी, अर्बन प्लानिंग क्या थी, या नए तरीके से एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्या इंपैक्ट हुआ, इस पे मैनुअल कैस्टल्स की स्टडी कर रही है। तो आपको इसमें जो है आपको टोटल मिल रहे हैं वो बेसिकली दो लोग इसमें आपको नए मिल रहे हैं, एडवर्ड सेड और मैनुअल कैस्टल्स के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए इसके नेक्स्ट अगले पार्ट पर अब हम लोग देखेंगे, वह है इंडियन थिंकर्स। छात्रों अब इतना मतलब ये हो गया, तो आप टोटली मिला करके अगर एक बार वाच कर लें तो देखें टोटल कितने हो जाते हैं। यहाँ पर तीन थिंकर लगे हुए हैं, पांच इसमें हैं आपके पास में, तो 358 और 6, 8, 6, 14 और 14 के बाद में फिर यहाँ पर 6 और लगे हुए हैं, तो 14, 6, 20 थिंकर्स कुल मिलाकर के ऐसे हैं जो वेस्टर्न थिंकर्स की ओर आपको इशारा करते हैं, मतलब 20 आपको वेस्टर्न थिंकर्स की स्टडी करनी और उसके बाद में फिर सीधा आप इंडियन थिंकर्स पे आ जाते हैं। छात्रों इंडियन थिंकर्स में बहुत सारे लोगों को हटाया जा चुका है, ठीक है ना, जैसे आप एनके बोस को पढ़ते थे, सुरजीत सिन्हा साहब को पढ़ते थे, केसरन साहब को पढ़ते थे, है ना, एस सी दुबे साहब को पढ़ते थे, तो ये सब मतलब इनको सबको हटा दिया गया है, ठीक है ना।
बहुत सारे पार्ट जो है इस समय रिमूव हो चुके हैं, डेविड हार्डमैन को पढ़ते थे ये सब हट चुके हैं। अब इसमें जो एक नया नाम जोड़ करके रखा हुआ है छात्रों, वो आपके हैं एम के गांधी, ठीक है। इंडियन थिंकर्स में जो सबसे पहले आए हैं एम के गांधी, तो ये जो हमारे ऐसे छात्र जो पीजीटी की प्रिपरेशन करते थे तो वो तो ऑलरेडी एम के गांधी के बारे में, अरविंदो के बारे में पढ़ते, तो इसलिए कहीं कुछ नहीं। लेकिन छात्रों गांधी जी की स्टडी काफी बड़ी है और इसमें आपको डिटेल्ड स्टडी करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि याद रखिए कि जो नए थिंकर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रियोरिटी दी जाएगी, ठीक है, निश्चित रूप से प्रियोरिटी दी जाएगी, मतलब उस पर क्वेश्चन ज्यादा, अब ज्यादा का मतलब दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एक चैप्टर में अगर आपको तीन चार क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मतलब ये है कि ठीक ठाक क्वेश्चन संख्या बन जाती है। तो एम के गांधी पर क्वेश्चन बनेगा, दूसरा बी आर अम्बेडकर पर आप देख लीजिए, यहाँ से तो पहले से भी क्वेश्चन बनता था तो ये भी आपका बनेगा। राधा कमल मुखर्जी साहब, इसमें मूल्यों की बात करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। जी एस घुरिया जी का देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पार्ट ये पहले से ही आता है इंडोलॉजिकल प्रॉस्पेक्ट से, इस पे आपको स्टडी करनी होगी। एम एन श्रीनिवास साहब का ये पहले से ही बुक है। एक नई चीज है जो पहले एक बैकडोर में आती थी, मैरिज फैमिली किनशिप में करके आती थी और इरावती कर्वी जी के बारे में, तो अब इरावती कर्वी जी की होल स्टडी करनी है, मतलब एज ए डिटेल्ड स्टडी आपको करनी है। खास तो उन्होंने किनशिप सिस्टम पर, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी हुई थी और इसी पुस्तक पर इन्होंने काफी स्टडी किया हुआ है कि भाषाई आधार पर कितने भागों में बांटा है, क्षेत्रीय आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो इस तरीके से इन्होंने स्टडी किया हुआ था, ठीक है। तो इस पे आपको डिटेल्ड स्टडी करना होगा। तो देखा जाए भारतीय थिंकर छे, तो छात्रों अगर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, मतलब एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया था, जैसे स्पेंसर रह गए, अगस्त कॉम्टे हो गए, तो इस पे पढ़ना है आपको। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये बेस है, इमरजेंस आप सोशियोलॉजी में आते हैं तो इसलिए पढ़ना है। लेकिन बाकी लोग अब इसमें कहिए सुरजीत सिन्हा एम के, वो तो ये सब हट गए हैं, ठीक है ना, हट गए मतलब हट गए। अब आपको इस पे डिटेल्ड स्टडी करके जानी है। तो टोटल मिला करके देखा जाए तो मैंने बताया था कि 20 जो है आपके वेस्टर्न थिंकर्स हो गए और ये जो पांचवें नंबर पर आ रहे इसमें 6 थिंकर हो गए, तो टोटल मिला करके 26 थिंकर्स पढ़ने हैं, ठीक है छात्रों। और थिंकर्स का पार्ट बिलीव करिए कि जो थिंकर्स का पार्ट आता है वो मान के चलिए मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 40-50% तो आप मिनिमम मान के चलिए कि 40% जो क्वेश्चन है वो आपके थिंकर से ही आते हैं, मतलब एक यूनिट, यूनिट वन जिसको आपने पहला देखा, ये यूनिट ऐसी है कि जहां से आपको 40% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 40% क्वेश्चन मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ रहे छात्रों तो उसमें 40 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, 40-50 क्वेश्चन भी कह सकता हूं, ठीक है ना। तो 40-50 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए कि आपको ये 26 से मिलने हैं। तो 40 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, वही मान के चलिए कि कम से कम वन क्वेश्चन तो कंपलसरी है। और नए जितने भी हैं, जितने हमारे नए थिंकर्स आए हुए हैं, ठीक है ना, तो नए थिंकर्स में ये आपको, जैसे नए थिंकर्स में इंडियन में देखा जाए तो यहाँ पर एक ही नाम आ रहा है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी का। बाकी लोग पहले से, या इरावती कर्वे जी भी पहले से थी ही, लेकिन फिर भी मान लीजिए दो थिंकर आ गए। इसमें देखा जाए तो मैनुअल कैस्टल्स ये आपके साथ बड़े और एडवर्ड सैड, ये दो थिंकर यहाँ पर, एक क्लिफोर्ड गीज के बारे में, ये तीन, ठीक है ना। तो तीन मतलब जो तीन थिंकर हैं ये आपको नए मिले हुए हैं, ठीक है। कई छात्र हमारे बिल्कुल एकदम घबरा गए कि सर एकदम सिलेबस चेंज हो गया, क्या हो गया। अब आप बताइए कि केवल तीन थिंकर पढ़ना, बाकी सब तो पहले से दिए हुए हैं, ठीक है ना, या कार मैनहीम को भी इंक्लूड कर लीजिए, आता था क्वेश्चन पहले से जानकारी। तो दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, मतलब चार थिंकर आपके ऐसे हैं जो वेस्टर्न थिंकर जुड़े हुए हैं और दो आपके थिंकर ऐसे हैं जो मतलब इंडियन थिंकर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा देखा जाए तो 6 थिंकर नए पढ़ने, बाकी सब कुछ पुराना है, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो देखिए पूरे मार्च लास्ट तक हम ये पूरा नोट जो अपडेटेड है वो अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि मैंने नया पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो जितने नए थिंकर्स इस समय चल रहे हैं, जैसे इस समय एम के गांधी, महात्मा गांधी जी का चल रहा है, तो ये पार्ट जल्दी ही मतलब ये फिनिश हो जाएंगे, और पुराने वाले ऑलरेडी है। तो ये जो 6 थिंकर हैं छात्रों, ये जैसे ही फिनिश हो जाते हैं वैसे आप नोट्स मंगा सकते हैं, ठीक है, मतलब थिंकर वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का सिलेबस देखिए बिल्कुल बदला हुआ, नए नए आ रहे हैं तो हम लोग उसको देखेंगे कि क्या उसमें नई चीजें। तो थिंकर्स का पार्ट जो 40% प्लस में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बस थिंकर्स में क्या होता है कि आपको समझने की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ आप अगला पार्ट देखेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात की जा रही है, मेथड्स की बात की जा रही है। तो भाई जो शोध पर विधियां हैं ये ऑलरेडी मतलब आप लोगों के चैप्टर में था, और जैसे था बस केवल इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में कर दिया। जैसे कॉन्सेप्चुलाइजेशन लाइजिंग सोशल रियलिटी के बारे में कि सामाजिक यथार्थता, तो सामाजिक यथार्थता जो सोशल रियलिटी है इसको हम लोग
पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सोशल बर्जर रैम लकमान में आपने देखा होगा कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था कि क्या है सोशल रियलिटी। तो बर्जर रैम लकमान में ये आपको पढ़ना है सोशल रियलिटी क्या चीज होती है। फिलोसफी ऑफ साइंस की बात है कि जो विज्ञान है उसका दर्शन क्या है, तो ये भी ऑलरेडी आप पढ़ते थे, जो साइंस का स्कोप है नेचर है उसमें आप पढ़ते थे, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान और वैज्ञानिक विधियां, ज्ञान मीमांसा, इनमें सब में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो एपिस्टेमोलॉजी जो ज्ञान मीमांसा होती है सोशल साइंस में, ये साइंस साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो ये आपकी जो पहली यूनिट हुआ करती थी कि मतलब सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं है, कॉमन साइंस में क्या अंतर होता है, तो ये चीजें पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप एक बुक है सी एन शंकर राव की जो है, तो वो प्रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश में ही ये बुक अवेलेबल है, तो लेकिन ये है कि अच्छा, या हारलंबस में भी इस पे अच्छा काफा दिया हुआ, तो दोनों में से कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, इस पे जानकारी ले सकते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से जो ऑब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्टिव एंड सोशल साइंस है और एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, एथिक्स का आचार शास्त्र और राजनीति शास्त्र के साथ में क्या सामाजिक यथार्थ के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एथिकल पार्ट इस बार नया जुड़ा हुआ है छात्रों, एथिकल जो पार्ट है वो नया जुड़ा हुआ है। अब एथिक्स में आप रिसर्च में आप पढ़ते हैं रिसर्च, ठीक है, एथिक्स ऑफ रिसर्च पहले भी पढ़ते थे, आज उसी चीज को यहाँ पर जोड़ रहा है कि भाई आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या एथिक्स होने चाहिए, मतलब नीति शास्त्र क्या होना चाहिए, इसके बारे में स्टडी करना। तो कुल मिलाकर के ये है छात्रों कि एथिक्स और पॉलिटिक्स वाला पार्ट पहले भी पढ़ते थे, और ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इस पे आपको गुप्ता एंड शर्मा जी की बुक आती है, ठीक है ना, सोशल रिसर्च पे बुक आती है हिंदी इंग्लिश में, तो उसको लेकर के अगर आप स्टडी कर लें तो ये सब पूरा का पूरा पार्ट दिया गया, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होने पाएगी, ठीक है ना। तो फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन के बारे में, रिसर्च डिजाइन आप पहले ही पढ़ते थे, ठीक है ना, कि रिसर्च डिजाइन में कौन कौन सी है, और उसी रिसर्च डिजाइन में आप तीन प्रकार की जो भी सगली रिसर्च डिजाइन आप पढ़ते थे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ते थे या एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी के बारे में, तो वही रिसर्च डिजाइन है, ठीक है ना, कि शोध पर रचना क्या है उसके बारे में या शोध अभिकल्प क्या है उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर रीडिंग सोशल साइंस रिसर्च डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी कॉन्सेप्ट पहले ही से ही आपके पास में आता था, ठीक है ना, ये पार्ट जो है वो आपके पास में पहले जो प्रलेखन पाठन है या सोशल साइंस में रिसर्च क्या चीज होता है ये सब है। इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड, भाई ये आगमन और निगमन विधियां, तो इस पे तो बहुत सारा मतलब अरस्तु का जो कॉन्सेप्ट अरस्तु प्लेटो का दिया गया था बेसिकली, तो वो तो मतलब इसको एग्जांपल देकर के पहले से फैक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, ये आप सी एन शंकर राव वाली बुक में से अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहां बढ़िया दिया हो गया। और फिर ये वहां से आप हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चनर और ऑब्जेक्टिव, ये जो पार्ट है प्राकल्पना क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, जो शोध प्रश्न क्या होते हैं, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई, है ना, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में या ऑब्जेक्टिव हमारे उद्देश्य क्या है, तो इनके बारे में भी आप, या जो हमारी समस्या प्रॉब्लम है उसके बारे में, तो ये रिसर्च वाली बुक से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो नहीं। दूसरी चीज है कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्शन करने की कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये ऑलरेडी मतलब मेंशन था उसमें। देखिए एथनोग्राफी की बात की जा रही है, एथनोग्राफी मतलब हो गया निर्जात की बात की जा रही है, ठीक है ना, निर्जाति वर्णन के बारे में, तो निर्जात पद्धति शास्त्र आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वहां से आप निर्जातीय मेथड को गौर पिंगल साहब ने क्या यूज किया हुआ है एथनो मेथोडोलॉजी में, तो वहां से आप स्टडी करेंगे इसको। सर्वे मेथड, ये भी ऑलरेडी बात की जा चुकी है। हिस्टोरिकल मेथड, ये तो बहुत सारे सामाजिक थिंकरों ने, जैसे मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने भी यूज किया है ना, ऑगस्ट कॉन्टे ने भी यूज किया हिस्टोरिकल मेथड का, और कंपैरेटिव मेथड का भी बहुत सारे लोगों ने यूज किया, जैसे कंपैरेटिव मेथड का बेहतरीन यूज किया है एम ए डर्खाइम ने, तो ये पूरा पार्ट आता है छात्रों। तो ये सब सारी चीजें हैं, इनपे अगला वाला पार्ट देखिए कि इसमें टेक्निक्स क्या क्या है, मतलब हम कैसे मेथड्स को जो मतलब हमको डेटा कलेक्ट करना है उनके लिए क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या तरीके। एक तो डेटा ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे उनका, मतलब डेटा को लाएंगे, और डेटा जब हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, मतलब वो क्वालिटेटिव हो सकता है क्वांटिटेटिव हो सकता है, तो उसमें हम सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है, डेटा को थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में करने के लिए सैम्पलिंग करेंगे, जिसको हम कहते हैं निदर्शन। उसके लिए प्रश्नावली और अनुसूची का प्रयोग करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। स्टैटिकल एनालिसिस, फिर सैम्पलिंग कर करके उनका एक स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे कि कितने परसेंट लोग या कितने लोग ऐसे हैं जो किसी बात को मानते हैं या नहीं मानते, इस तरीके से एनालिसिस करेंगे उनका, स्टैटिकल एनालिसिस। और उसके बाद में आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है ना, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी, तो ये डेटा कलेक्शन की मेथड्स है, ठीक है ना, अवलोकन के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर आप करेंगे उनका इंटरप्रिटेशन। जब आप स्टैटिकल एनालिसिस कर लेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे करके दिया हुआ छात्रों, लेकिन ये जो भी आपके शिक्षक होंगे या मतलब मैं आपको बताऊंगा,
तो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मतलब एक क्रोनोलॉजिकली स्टडी आपको करना पड़ेगा। मतलब यहाँ तो ऊपर नीचे कैसे भी करके दे दिया गया, लेकिन आपको स्टेप टू स्टेप चलना है, ठीक है ना। तो इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस करेंगे, फिर उनका डेटा एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, और फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, अर्थात उनका प्रतिवेदन लेखन करेंगे, ठीक है। तो ये रिसर्च का पूरा पार्ट है, रिसर्च सेकंड यूनिट पे छात्रों। तो मेरा एक छोटा सा मानना तो यह है कि कई लोग मतलब ऐसा भी अवधारणा रखे हुए हैं, टोटल मिलाकर के इसमें अगर आप देखें तो 10 यूनिट बनी हुई है, ठीक है ना। अगर ये 10 यूनिट बनी हुई है तो 10 यूनिट का मतलब आप ये मान के चलिए कि क्या, और क्वेश्चन आने हैं 100, तो क्या 10-10 सवाल आने, ऐसा नहीं है छात्रों। आपकी जो पहली यूनिट है वहां से ज्यादा लगभग 40% क्वेश्चन तो सीधा वहां से डराइव करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये मान के चलिए कि इसमें जो आपको करना है वो ये नहीं दिमाग लगाना है कि मतलब यहां से केवल 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मतलब वो आपका। लेकिन फिर भी आपके मान के चलिए कि जैसे हमेशा से रहा है कि अगर आप रिसर्च वाले मेथड को देखिए तो मिनिमम 5 क्वेश्चन, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन, और 10-12 क्वेश्चन तक आते हैं। तो आप मान के चलिए कि लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आने, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 आप अगर प्रिपेयर्ड कर लें तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाना है, ठीक है ना। 50% क्वेश्चन आपको मिल जाना है। अब देखिए अगले इसके बाद करेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूट। तब सोशियोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट आता था छात्रों, तो उसमें सब कुछ आता था, जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गया, और या कह लीजिए कि कम्युनिटी हो गया, और ग्रुप हो गया, सोसाइटी हो गया, सिंगल सोसाइटी हो गया, मतलब ये सब पूरा पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन अभी ये सब पार्ट खत्म करके उन्होंने सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नाम दे दिया, ठीक है ना। और सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में वो क्या चाहते हैं, मतलब इस समय एम्फसाइज क्या करना चाह रहे हैं, देखो मैं आपको बता दूं कि जो पुराने दिए गए हैं जैसे इंस्टीट्यूशन, अगर आप इंस्टीट्यूशन ना जाने, संस्था किसे कहते हैं यह ना जाने, तो मतलब ही नहीं बनता कि आप सोशियोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मतलब ये हो गया कि अब दिया नहीं है लेकिन समझना है, क्योंकि भाई अगर कहीं ना कहीं बीच में अगर सोशल इंस्टीट्यूशन या कमेटी की बात की जाएगी, एसोसिएशन समिति की बात की जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन संघ की बात की जाएगी, कोई संगठन की बात की जाएगी, फेडरेशन की बात की जाएगी, संघ की, तो आप इनके मध्य में अंतर क्या है अगर ये नहीं समझेंगे तो आप कैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ। तो इन्होंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे एम्फसाइज किया है कि हम इस पे सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए, चूंकि आप हायर एजुकेशन के मतलब शिक्षा के उच्चतम बिंदु पर आप जाने के लिए प्रेरित हैं यहाँ से, तो आपको ओवरऑल बेसिक स्टडी सब कुछ आना चाहिए। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट लिख दिया गया एंड इंस्टीट्यूशन लिख दिया गया, क्या क्या संस्थाएं, तो पूरा पूरा है। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आप देखिए कि क्या आना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर पर अच्छे से स्टडी आपकी होनी चाहिए कि सामाजिक संरचना क्या है, संरचना शब्द का उपयोग कैसे, सामाजिक संरचना का शब्द का उपयोग स्पेंसर महोदय कहते हैं, बाद में मैलनोस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, एसएफ नोडल क्या क्या यूज करते हैं, लेविस स्ट्रास क्या यूज करते हैं, सामाजिक संरचना को कैसे व्यक्त करते हैं, वो आपको पूरी स्टडी इस पे करनी होगी। दूसरी चीज है कल्चर की बात की जाएगी, संस्कृत, तो ये हमेशा से बहुत अच्छा टॉपिक रहा है और निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेटवर्क जो है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, छोटा सा एक नया पार्ट आपको नेटवर्क दिखा चाहता हूँ, तो ये जो नेटवर्क का क्वेश्चन है इस पे निश्चित रूप से बनता है, ठीक है ना। जो नेटवर्क का पार्ट है ये बनता है आपका, तो आप इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे, नेटवर्क वाले पार्ट पे इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। और नेटवर्क का पार्ट पहले कहाँ पढ़ते थे, फर्स्ट पेपर में पढ़ते थे आप, है ना, कि नेटवर्क क्या, संचार करने के लिए। नेटवर्क का मतलब यहाँ हो गया कि एक कम्युनिकेशन ग्रुप, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों का एक समूह जो जुड़ जाता है, तो उस पे आपको करना है। तो संचार में नेटवर्क की क्या भूमिका है, नेटवर्क किस तरीके से बनते हैं, वहां से आपको पढ़ना होगा। स्टेटस एंड रोल, ये बिल्कुल हॉट केक है, हमेशा से इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है प्रस्तुत और भूमिका पर, तो इसको आप तैयार करके। दूसरे देखिए आइडेंटिटी, एक नया आया हुआ है, आइडेंटिटी के पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो छात्रों यहां पर क्या है कि आइडेंटिटी में पहचान, जैसे पहचान से, तो पहचान का मतलब हो गया कि आज लोगों की पहचान क्या है। आपने की स्टेटस के बारे में पढ़ा होगा, की स्टेटस होता है, ठीक है ना। तो की स्टेटस क्या करता है, उसको एक पहचान दिलाने का काम करता है। तो आप किसी ग्रुप को, किसी समुदाय को, किसी संस्थान को, या किसी एससी एसटी को पहचानने के क्या तरीके हैं, क्या सोशल मानदंड रखे गए, अब इन पे बात की जाएगी। तो इसलिए आइडेंटिटी एक पार्ट दे दिया गया, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आर्टिकल 341-342 ये प्रेसिडेंट को, एससी एसटी को रिकॉग्नाइज करने की अथॉरिटी देता, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी एक चैप्टर है, इस पे आपको आप स्टडी करना होगा। उसके बाद में कम्युनिटी, ये पहले से रहा है, समुदाय,
इस पे विशेषताएं तमाम प्रकार की आती हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, ये सब सारे समुदाय से संबंधित जितने भी सवाल है वो पूरे पूछे जाते हैं। एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ डायस्पोरा, छात्रों जैसे आइडेंटिटी है, डायस्पोरा, ये सब जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, डायस्पोरा। अब डायस्पोरा का मतलब हो गया प्रवासी, जैसे कुछ लोग जो आपके साथ में जुड़े हुए थे अब वो बाहर रहने लगे, मतलब चाहे आपके देश में वो उससे बाहर रह रहे हैं, तो उनको कैसे आप एक अपने सेंटर पर जोड़ रहे हैं, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना डायस्पोरा मेंटेन कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या है कि प्रेस्टीज बनाने के लिए आप देख रहे होंगे कि 2003 से लगातार जो है प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, 7 से 9 जनवरी के बीच में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो वो डायस्पोरा वहां से आपको समझना है। तो एक्चुअल में ये सब चीजें कहाँ पर मिलेंगी, ये सब छात्रों फैक्चुअल बेस में, जो मतलब वन पेज से ज्यादा इस पे कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये सब बड़े बड़े चैप्टर नहीं है कि आप बहुत बड़ा और इस पे स्टडी हुए। इस पे करना क्या है कि दो मैगजीने हैं उनको आपको परमानेंट लेकर के स्टडी करना आरंभ कर देना चाहिए, मतलब आप मान के चलिए कि एक साल की स्टडी, कम से कम 1 ईयर की स्टडी आपके पास में होनी चाहिए, और वो भी योजना जो और कुरुक्षेत्र, ठीक है ना, दो मैगजीन है योजना और कुरुक्षेत्र, वहां उनको उठाइए और उसमें सब में आइडेंटिटी, कम्युनिटी, ये सब चीजें जो नई चीजें बिल्कुल जो रिसर्च पेपर और नई चीजें आती हैं वो दी जाती, तो वो नई चीजें, ये डायनेमिक पार्ट है छात्रों, मतलब ये हम ये नहीं कहेंगे स्टैटिकल पार्ट है, दीज आर द डायनेमिक्स पार्ट, और डायनेमिक चीजें ही पूछी जाएंगी। तो थोड़ा सा अब समाज शास्त्र को डायनेमिक बनाने के पर ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, इसीलिए इस प्रकार के चैप्टर को इंक्लूड किया गया। इसमें देखिए कि वैल्यू नॉर्म्स है, रूल्स है, इस पर भी चीजें आ रही है, तो वैल्यू नॉर्म्स रूल ये ऑलरेडी आपके पास में था, ठीक है ना, कि मूल्य मानदंड नियम क्या है ये ऑलरेडी जानते हैं। देखो पर्सनहुड की बात की जा रही है, हैबिटस की बात हो रही है, एंड एजेंसी की बात की है। पर्सनहुड यानी इसमें क्या कि व्यक्तित्व जो आपका होता है, ठीक है ना, जैसे पर्सनालिटी होती है ऐसे व्यक्तिवाद, पर्सनहुड मतलब एक मानवतावाद क्या है भाई, पर्सनहुडनेस क्या है। हैबिट्स की बात की जा रही, आदतें किस प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, और उसमें एजेंसी जो हमारी एजेंसी है, जैसे वो औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है, स्कूल, कॉलेज, या कोई आतंकवादी संगठन, या कोई कह लीजिए स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, या कोई कह लीजिए एक कमेटी हो गया, या इस प्रकार की चीजें जो भी मतलब है, चर्च वगैरह है, तो वो सब एजेंसी के रूप में, मतलब अनौपचारिक और औपचारिक एजेंसियां किस प्रकार आपकी हैबिट्स और पर्सनालिटी को चेंज करने का काम करती हैं, और कौन कौन सी हैं, कैसे व्यक्ति के अंदर में बदलाव, इंटेलेक्चुअल चेंजेस कैसे आते हैं, इस पे आपको स्टडी करनी है, सोशियोलॉजिकल स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको सोशियोलॉजिकल अप्रोच लेकर के चलना है, ठीक है ना, आप एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में कैसे ये चीजें कितना इफेक्टिव होती है, इन पे स्टडी करना है आपको। दूसरी चीज है कि ये ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, बेबर का चैप्टर आपने पढ़ा, पीछे दिया भी गया है स्टार्टिंग में पहली यूनिट में, तो बेबर वाले चैप्टर में ही आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये चीज वहीं पे पढ़ लेना कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती भाई, अधिकारी तंत्र, वो बेबर अच्छे से बताता। पावर शक्ति किसे कहते हैं, अथॉरिटी सत्ता किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, कितने प्रकार की होती है, सब कुछ है। तो इसको मैक्स बेबर के कॉन्टेस्ट में, जेएस मिल के कॉन्टेस्ट में, मोस्का के कॉन्टेस्ट में, इन सब के कॉन्टेस्ट में पढ़ना है। सी एन शंकरन राव की जो बुक है उसमें आप अच्छे से दिया गया, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। सोशल इंस्टीट्यूशन जो ये है पार्ट है आपका सेकंड यूनिट का, ये बेसिकली थर्ड यूनिट का, ये जो थर्ड यूनिट का सोशल इंस्टीट्यूशन, ये आप ऑलरेडी आप छात्रों पढ़ेंगे थे, लेकिन आप फोकस किस पे करते थे, मैरिज फैमिली एंड किनशिप पर, मतलब ज्यादातर हमारे स्टूडेंट मैरिज फैमिली एंड किनशिप पर फोकस कर लेते हैं। इकोनॉमी वाले में जो मेलनोस्की का ट्रोवी अंडा दीप है, जो चक्र है सिंबॉलिक, उस पे स्टडी करते थे, लेकिन अब क्या है कि जो आईएएस के सिलेबस में दिया गया है, जैसे लॉ एंड कस्टम्स है, एजुकेशन है, रिलीजन है ना, अब पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो इस पे कौन कौन सी थ्योरी, मतलब अब रिलीजन है तो रिलीजन का मतलब रिलीजन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, डिसफंक्शन क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, पूरा सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में इन पे पूरी स्टडी आपको करनी है। अब देखिए यहाँ पर तो ये वाला पार्ट मतलब आसानी से हो जाएगा, इसके लिए कोई भी बेसिक जैसे जेपी सिंह की बुक हो गई, ठीक है ना, मूलभूत अवधारणाएं करके, तो आप वहां भी ले लेंगे तो ये पूरे पार्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सोशल स्टडीफिकेशन की, तो सोशल स्टडीफिकेशन ये पहले से ही टॉपिक रहा है और बहुत अच्छा टॉपिक रहा है, इस पे आप अच्छे से, इसमें जैसे सोशल डिफरेंस क्या है, सामाजिक विभेदीकरण उसमें क्या हो गया, ठीक है, या एक हायरार्की पदानुक्रम की बात की जा रही है,
तो जब हम पदानुक्रम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अथॉरिटी में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना, हायरार्की की बात की जाए या कास्ट में हायरार्की की बात, ड्यूमा की थ्योरी यहाँ पर आपको पढ़ना। देखो ड्यूमा का नाम नहीं दिया गया लेकिन अब आपको हायरार्की पढ़ना वो भी सोशल स्टेटिफिकेशन में, तो सीधी सी बात है उसने कास्ट हायरार्की की बात की थी, तो ड्यूमा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इनइक्वलिटी की बात की जा रही है, असमानता, तो ये आपको मैगजीन के माध्यम से मिलेगा कि असमानता किस प्रकार की, कितने क्षेत्रों में है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। या इसमें मार्जिनलाइजेशन की बात की जा रही है, मार्जिनलाइजेशन, तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि कैसे पार्श्वीकरण हो जाता है, ठीक है ना, अर्थात कोई व्यक्ति मार्जिन कैसे बनता है, सीमांत, मानव सीमांत पर कैसे बैठ जाता है, तो इसके बारे में भी स्टडी कर रही है जी, ठीक है। तो जैसे स्टोन क्विस्ट ने स्टडी किया हुआ था उस पर आपको करना है, या मार्जिनल सीमांत जार्सी होमंस का, इस पर भी आपको स्टडी करना। नेक्स्ट देखेंगे कास्ट एंड क्लास पे, अगर हम लोग स्टडी करें तो ये ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है छात्रों, कास्ट एंड क्लास ये आपके ऑलरेडी थे। जेंडर सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी की बात की जा रही है, भाई जेंडर की बात की जाएगी तो जेंडर पे आपको कोई ना कोई बुक आपके पास में होनी चाहिए, रिचा या और भी जेंडर पे आप बुक देख लेके मैं आपको अच्छे से इस पे प्रिपेयर कराऊंगा। तो जेंडर हो गया, सेक्सुअलिटी मतलब जेंडर को सेक्सुअलिटी से जोड़ करके, लैंगिकता को जोड़ करके, और दिव्यांगता पहले भी था छात्रों लेकिन बहुत ही मतलब एक जो सोशल वेलफेयर था, सोशल वेलफेयर वाला सोशल डेवलपमेंट पार्ट उसी में आता था। अब आपको डिसेबिलिटी पे पूरा पार्ट पढ़ना है, ठीक है ना, डिसेबिलिटी क्या है, कैसे, कितने प्रकार की है और उसके लिए क्या क्या मतलब जो है जो गवर्नमेंट योजनाएं बनाई हुई, ये आपको पूरा स्टडी करना होगा, ठीक है ना, या स्टडीफिकेशन कौन कम ज्यादा इस तरीके से बना हुआ पार्ट, ठीक है। तो रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी की बात की जा रही है, अब रेस को भी जाति किस प्रकार से एथनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रेस जो है वो कैसे एथनिसिटी और ट्राइबल कैसे एथनिसिटी को मतलब इंटीग्रेट करता है, जैसे प्रजाति और जनजाति है और निर्जातीयता, लोग अपनी जात को उच्च मानने का कार्य, ठीक है ना, या अपनी जात के संदर्भ में अपनी व्याख्या करने का काम, तो स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पर जो है काले और गोरे का भेद हो गया या जनजातियों में जो पार्ट हो गया, तो ये आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाले पार्ट से आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इसी के कॉन्टेस्ट में पढ़ना है। और नेक्स्ट देखिए सोशल चेंज एंड प्रोसेस, तो ये तो अच्छा खासा है, पहले भी पढ़ाया जाता था, ठीक है ना, और आज भी ये रिलेवेंट बना हुआ। मतलब देखा जाए छात्रों, मेरे हिसाब से जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि जो लोग सिविल की प्रिपरेशन करते रहे होंगे उनके लिए अब ये सिलेबस काफी कुछ रिलेवेंस हो गया, थोड़े थिंकर्स के पार्ट अगर छोड़ दिए जाए क्योंकि उनके यहाँ वही पांच बेसिक थिंकर्स हैं, ठीक है ना, वो अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसल और उसके बाद में माइल दुर्खी, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, तो बेसिकली पांच थिंकर और दो चार थिंकर और भी थोड़े मोड़े हैं, लेकिन ये है कि थिंकर्स वाले पार्ट थोड़ा इसमें ज्यादा है, तो थिंकर को छोड़ दीजिए तो देखिए डायनेमिक नेचर में ये पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल मिलने लगा है आपके सिविल सर्विसेज से, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन से। सोशल मोबिलिटी वो भी पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन योगेंद्र सिंह की बुक है, इसमें बेहतरीन दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो योगेंद्र सिंह की बुक में इसको आप बहुत अच्छे से ये पार्ट पढ़ सकते हैं, मतलब ये जो आपका एवोल्यूशन है, डिफ्यूजन है, मॉडर्नाइजेशन है, डेवलपमेंट है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, ये पूरा पार्ट, ये पूरी यूनिट आपको मिल जाएगी, मतलब यूनिट का फिफ्थ नंबर पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ यूनिट पर बात करें, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से जो यहाँ तात्पर्य है वो मेरा सीधा सीधा तात्पर्य यही है छात्रों कि आप ऑलरेडी पढ़ते थे, बल्कि रूरल सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी अलग अलग करके पढ़ते थे, अब उन्होंने रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ने की जगह पर आपसे कहा कि रूरल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, अर्बन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, अर्थात ग्राम और नगरीय रूपांतरण किस तरीके से बदल रहा है, इस पे आपको करना। तो रूरल अगर आपको पढ़ना है तो पीजेंट सोसाइटी आप ऑलरेडी पढ़ते थे, ठीक है ना, पीजेंट सोसाइटी या पीजेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में भी आप स्टडी, तो कास्ट ट्राइब सेटलमेंट के बारे में स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है ना, कास्ट ट्राइब सेटलमेंट यानी कि जो आपके जाति जनजाति बस्तियां हैं, जो उनके रहन सहन है उनके बारे में आप स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि जो जाति जनजाति बस्तियां हैं उन पे आप स्टडी करेंगे। दूसरी चीज अगर यहाँ पर बात करेंगे एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर, जो कृषक सामाजिक संरचना थी, ठीक है ना, कि सामाजिक संरचना किस प्रकार से बनी हुई कृषकों की, कौन सा मजदूर किसान है, लैंडलेस है, कौन सा ओनर है, कौन सा फार्मर है, कौन सा पीजेंट है, इस पर स्ट्रक्चर कैसे पूरा बना हुआ है, और ये इमरजेंट क्लास रिलेशंस, देखिए जो उभरते वर्ग हैं, जो नए नए वर्ग उभर करके आए हुए हैं, ठीक है ना, जो मध्यम वर्ग आया हुआ है, मैनेजरियल वर्ग आया हुआ है, या कह लीजिए कि जो टेक्निकल मजदूर आए हुए हैं,
तो जो नया वर्ग उभर करके आया हुआ या सुपरवाइजर वर्ग उभर करके आएगा, इस पे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। डेरन डार्फ की थ्योरी यहाँ पर स्टडी करना होगा, ठीक है। मार्गस स्टेसी की स्टडी करना होगा, कुछ मतलब पीजेंट में भी लोग हैं उनको आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। लैंड ओनरशिप एंड द एग्रीरियन रिलेशंस की बात की जा रही है, तो लैंड ओनरशिप जो भू स्वामित्व था या जो एग्रीरियन रिलेशंस है, कृषक संबंध है, इन पे भी स्टडी आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। क्या स्टडी करना है, खासतौर से आपको जो हमारे यहाँ रिफॉर्म किया गया लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर स्टडी करनी है, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ एग्रीरियन इकोनॉमी, एग्रीरियन इकोनॉमी हमारे यहाँ कैसे हरासमेंट हो गया, कैसे कैसे धीरे धीरे कर करके इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इसको आपको बताना है, ठीक है ना। डीप एजेंटाइजेशन एंड माइग्रेशन, इस समय देख ही रहे हैं कि लोग जिनके पास थोड़ा बहुत खेत भी रह गया है वो भी कृषिकरण कर दे रहे हैं, वो अपना दे करके किसी को सौंप करके और उसके बाद में या उसमें पेड़ वगैरह बागवानी कर करके उसके बाद में बाहर शहर में जाकर के काम करते हैं। इस पे कुछ तमाम स्टडी है छात्रों, मतलब इस पे पूछा क्या जा रहा है वो बेसिकली आप ये होता क्या है जान लेना है और इस पे कोई स्टडी जो हुई है, और तो स्टडी आपको जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है उसके जो जर्नल्स निकलता है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, उस बुलेटिन के अंदर में जो नई नई चीजें निकल करके आती हैं उनको आपको पढ़ना होगा, मतलब आप बिना नेट के आप इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, मैटर सर्च करना होगा, ठीक है ना। मैटर सर्च करना होगा, कलेक्शन करना होगा, और कलेक्शन करने के बाद में फिर आपको स्टडी करनी होगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा काम बढ़ गया, ठीक है। और यही काम, बढ़ा हुआ काम जो आपके गुरु जी लोग शिक्षक लोग करते हैं, तो शिक्षक आपको ये काम कर करके देंगे और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ तैयार करना है, उसको समझना है और रट्टा मारना है, क्योंकि देखो भाई समझना जरूरी है, क्योंकि सोशियोलॉजी तैयारी करने का सबसे बेहतरीन मैं दो ही तरीका है, 50% लर्निंग होता है, अगर आपको लर्न नहीं है आप बहुत समझ के बैठे हैं तो आंसर नहीं दे पाएंगे, और बहुत लर्न करके बैठे हैं अगर आप समझ नहीं पाए तो भी नहीं, तो 50% पार्ट होता है, इसलिए आपको फोकस। नेक्स्ट देखिए, इसमें बात करेंगे एग्रीरियन अनरेस्ट, भाई वो जो कृषक असंतोष है आप देख ही रहे हैं कि हर जगह आने वाले मतलब जो वक्त में कृषक आंदोलन होते रहे, जैसे गुजरात में पटेलों का आंदोलन देख लीजिए, जाटों का आंदोलन देख लीजिए, मुंबई में किसानों का आंदोलन देख लीजिए, साउथ इंडिया में तमाम प्रकार की चीजें, तो ये जो अनरेस्ट है इस पे जात मतलब कृषक आंदोलन को आपको अच्छे से पढ़ना है। डीप एजेंट और साथ ही साथ में पीजेंट मूवमेंट, जितने भी आंदोलन चले हैं, का आंदोलन, कृषक आंदोलन, ठीक है ना, या जो भी आंदोलन साउथ इंडिया में भी चलाए गए हैं, बंगाल के अंदर में चलाए गए हैं, ठीक है ना, तो ये सब पूरा आंदोलन आपको कृषक पीजेंट मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। और इसमें आप देखिए कि चेंजिंग इंटर कम्युनिटी रिलेशन एंड वायलेंस, आप देख लीजिए गुजरात के पटेलों में देख लीजिए किस तरीके से क्या वायलेंस वाली स्थिति बनी हुई है, और चेंजिंग इंटर कम्युनिटी रिलेशन आपके चल रहे हैं, जो मतलब अंतर समुदाय संबंध है, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ में जो संबंध है, उस आधार पर लोग अपने आप को कैसे राजनीति में जोड़ करके और वायलेंस का सहारा लेकर के एक प्रेशर ग्रुप बनाने का काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो इस पे आपको बदलते पाए माने में, मतलब ये बिल्कुल डायनेमिक नेचर वाला पार्ट होगा, इसको मैगजीन से या जो न्यूज़पेपर में ऑडिटोरियल वाला पार्ट आता है वहां से आप इसको प्रिपेयर करेंगे छात्रों, ठीक है। या कभी कभी आपने DD1 या नेशनल चैनलों पर तमाम सोशियोलॉजिस्ट आते हैं या सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, तो वो स्टडी जो करते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के संभावना, क्योंकि जनरली ये सब नॉर्मल क्वेश्चन इस पर कोई बनेगा नहीं, ये एक डायनेमिक पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें अर्बन सोसाइटी की बात की जा रही है, रूरल के बाद में अर्बन, तो सबसे पहले उसमें तो अर्बनिज्म क्या है, नगरवाद क्या है, ठीक है, गाँव से नगर की ओर जो बदलाव हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, उसी को नगरवाद। फिर उसमें नगरीयता क्या है भाई, अर्बनिटी क्या है, नगरीयता क्या है, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, लुईस बर्थ का वो आपको स्टडी करना है, नगरीकरण क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन जैसे धीरे, अर्बनिज्म किसे कहते हैं, अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, अर्बनिटी, मतलब छात्रों ये सब देखिए छोट है तो एक बिल्कुल मिलता जुलता कि नगरवाद क्या, अर्बनिज्म यानी नगरवाद क्या है, अर्बनिटी यानी नगरीयता क्या चीज होती है, और अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण, तो तीनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं लेकिन तीनों में क्लियर कट अंतर है, और इस प्रकार की चीजों के लिए आपके पास में एक सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे रावत पब्लिकेशन की एक सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी आती है, हमें हमारा मानना है कि अगर आप सोशियोलॉजी की एक डीप स्टडी करना चाहते हैं आगे चल करके, आपको PhD के लिए, नेट के लिए काम करना है, JRF के लिए काम करना है, या हायर एजुकेशन में जाना है, तो निश्चित रूप से डिक्शनरी आपके पास में होनी चाहिए, और वहां पर ये सब चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई हैं विद एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो देखिए टाउन्स एंड सिटीज एंड मेगा सिटीज की बात की जा रही है, तो ये भी टाउन्स क्या है, छोटे कस्बे क्या है, मतलब शहर का वर्गीकरण जो किया गया, सिटीज क्या है, कितने प्रकार के, मेगा सिटीज क्या है, ठीक है, नैनो, नेक्रोपोलिस, ये जो आते हैं पार्ट, ये यहाँ से आपको
पूछे जाएंगे। इंडस्ट्री हो गया, सर्विस हो गया, बिजनेस हो गया, इनमें क्या है, उद्योग क्या है भाई, सेवा का क्या है, ठीक है ना, उसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में व्यवसाय का किस तरीके से जोड़ते हैं, व्यवसाय ऊंचे और नीचे के क्रम में, ठीक है ना, तो ये चीजें भी जोड़ी जाती है। नेबरहुड की बात की जा रही है, ठीक है ना, नेबरहुड मतलब हो गया कि पड़ोस, जो आपका पड़ोस है, स्लम्स है, एथनिक इनक्लेव है, जो निर्जातीय क्षेत्र होते हैं, कोई एथनिक, कोई निर्जातीय मतलब कोई विशेष जात के लोग कहीं पर कोई इनक्लेव में रह रहे हैं, तो ये निर्जातीय अंतर क्षेत्र के रूप में कहा जाता है। तो पड़ोस, गंदी बस्तियां जो स्लम्स है, इन पे आपको पूरी स्टडी करनी है, क्योंकि अर्बन में इनका सबका विशेष रूप से योगदान होता है। जैसे नेबरहुड की बात की जा रही है, तो अर्बन में देखते होंगे कि यह बात का बहुत विशेष रूप से मान रखता है कि हमारे पड़ोस में कौन रहने जा रहा है, किस कम्युनिटी के लोग रहने जा रहे हैं, कैसा इंपैक्ट हमारे ऊपर है, यहाँ से पढ़ पड़ता है। मिडिल क्लास की बात की जा रही है, तो मध्य वर्ग, ये तो बिल्कुल एकदम है, या एक गेटेड कम्युनिटी, ये बिल्कुल एकदम, देखो ये गेटेड कम्युनिटी का मतलब हो गया कि जिसमें गेट किए बनाया गया, ठीक है ना, गेटेड कम्युनिटी अर्थात ऐसे समुदाय जहां पर गेटेड किए गए हैं, ठीक है, तो उन समुदायों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, तो ऐसे समुदाय जो एलीट क्लास है, जिनके पास में गेट है, और किस प्रकार से वो आपको एक समाज से विशेष रूप से बनाने का कार्य करते हैं, या उनका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अर्बन मूवमेंट्स की बात है, अर्बन भी तमाम साफ सफाई, कूड़ा कचरा, देखते होंगे कि तमाम चीजें आए दिन निकला करती हैं, बिजली बत्ती और पानी, सीवेज, इन सब मैटर, तो जो मूवमेंट चलाए जाते हैं, जो वायलेंस, हिंसा, झड़प, ये सब की जाती है। अब ये प्रैक्टिकल स्टडी आपको करना, मतलब इस पर अगर कोई शोध पत्र या सब चीजें आती हैं, अभी तक क्या था, जब आप रिसर्च करते थे तभी शोध पत्र पढ़ते थे, ठीक है ना, तो छात्रों आप तैयारी करना है, अगर आपको नेट की जयरब बनना है, तो अब आपको यहीं से शुरू करना है शोध पत्र पढ़ना, ये सब चीजें हैं, क्योंकि ये सब नए नए मूवमेंट और नई चीजें यहाँ से ही आपको आएंगे। अगली देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलप, फिफ्थ नंबर यूनिट है, तो ये जो यूनिट है ये पहले से ऑलरेडी थोड़ी बहुत आपको मेंशन थी छात्रों, लेकिन अब विशेष ये वाली यूनिट आईएएस के अंदर में, मतलब जो आईएएस का मेंस का सिलेबस है, वहां पर विशेष रूप से दी गई है छात्रों कि पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या हो, तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करना है, प्रेशर ग्रुप वगैरह के बारे में इसमें पूरा पार्ट स्टडी करना है, कैसे, ट्राइब्स, नेशन, स्टेट एंड ब्रदर, अब आपको ट्राइब के बारे में, जनजात क्या है, या नेशन स्टेट क्या है, राष्ट्र राज्य क्या है, या हमारे बॉर्डर क्या है, यानी कि जो हमारी सरहदें क्या है, इनके बारे में आपको स्टडी करनी है कि हमारे सरहद में कौन कौन आ रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जियोग्राफिकल पार्ट लिए हुए, अब आपके पास भी आपके अड़ोसी पड़ोसी देश कौन है, नेबरहुड में कौन है, उनकी क्या रणनीतियां हैं, क्या सोशल प्रोसेस चलती हैं, तो इसी तरीके से माना जाएगा कि मतलब आप डायनेमिक नेचर के हो रहे हैं, सोशियोलॉजिकल अप्रोच रख रहे हैं, मतलब सोशियोलॉजी जो एक पहले थ्योरेटिकल व्यू में बंद करके रखा हुआ था छात्रों, अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि पूरा प्रैक्टिकली बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली आ रहा है कि आपका सोसाइटी में रह रहे हैं, तो फिर आपके बगल में जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के बगल में, उन सोसाइटियों का किस तरीके से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा हुआ है, इनके बारे में आपको जाना रहता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अगले पार्ट पर अगर हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर की बात करें, पॉलिटिकल कल्चर या पब्लिक पॉलिसी की बात करें, पब्लिक पॉलिसियां हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर, लिवलीहुड को लेकर के कैसे बनी हुई है, ठीक है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के लिए कौन कौन से योजनाएं, प्रोग्राम चल रहे हैं, अब आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा सीधा, सारी पॉलिसी मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी है वो आप इसको हेल्थ, एजुकेशन और आपका लिवलीहुड से संबंधित, ये आपको पूरा का पूरा आपको पार्ट आना है। पॉलिटिकल कल्चर की बात की जा रही है, पॉलिटिकल कल्चर हमारे यहाँ क्या रही है, किस प्रकार की चीजें उनकी, उनके बेसिक कल्चर्स क्या रहे हैं हमारे यहाँ, क्या मुद्दे रहे हैं, क्या एजेंडा रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर इसमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, मतलब तृणमूल जो प्रजातंत्र है, गहराई में जो नीचे से प्रजातंत्र है, यानी जो हमारे यहाँ कह लीजिए कि जो पंचायती राज सिस्टम है उस पे आपको ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी मतलब पंचायती राज किस तरीके से बना हुआ है, इस पे आपको स्टडी करना। जो लॉ बनते हैं, लॉ एंड सोसाइटी, लॉ का स्टूडेंट सोशियोलॉजी पढ़ता है तो बड़ा ही बेहतर हो जाता है, कैसे, क्योंकि जो हम लॉ बनाते हैं वो पहली बात तो किसके लिए बना रहे हैं, हम अपनी जनता के लिए बना रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, और फिर उनको इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, किस तरीके से चेंजेज आएंगे सोसाइटी पर, इनको स्टडी करना इंटरडिसिप्लिनरी मेथड को लगा करके इन पे। जेंडर एंड डेवलपमेंट पर भी बात की पॉलिटिक्स में, जैसे आपने देखा होगा ये पिंक पेपर के अंदर में इस बार बजट छापा गया था, तो जेंडर बजट कह दिया गया, जेंडर बजट का कॉन्सेप्ट 2006 से आया, कैसे क्या होता है इस पे, तो जेंडर और डेवलपमेंट को कैसे जोड़ करके
सस्टेनेबिलिटी की बात कहते गिर जाएगी, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। करप्शन, ये आपके पास में जो राम आहूजा साहब की पुस्तक थी इंडियन सोशल प्रॉब्लम, भारतीय समाज की समस्या, उसमें बेहतरीन दिया हुआ करप्शन, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये नई चीज है, इकोनॉमी के अंदर में आप पढ़ते थे है ना, इकोनॉमिक्स का जब पार्ट पढ़ते थे तो उसमें आप पढ़ते थे, अब आप यहाँ प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ठीक है, जैसे यूनिसेफ हो गया या जो भी हमारे संस्थाएं हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, तो जो भी ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है ना, जो अंतरराष्ट्रीय विकास संस्थान एनडीपी हो गया, एनएनपी, जैसे मान लीजिए ये आपका पार्ट हो गया, जैसे विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है ये सब आपको स्टडी करना है, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पर यूएनओ हो गया तो उस पे आपको स्टडी करना है, डेवलपमेंट के लिए वो क्या गया, यूनिसेफ हो गया, अब आपको ऐसे संस्थानों के बारे में, आपको रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, इनके सबके बारे में आपको जानना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, तब वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि साफ साफ रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो सारे इंस्टीट्यूशन पढ़ना, तो एकदम बिल्कुल डायनेमिक नेचर का हो गया छात्रों ठीक है ना, सब पे दो दो चार चार पेज के मैटर हैं, आपको इसमें कुछ पे तो एक एक पेज के मैटर है, लेकिन सब पे दो दो चार चार पेज के, लेकिन ये बिल्कुल डायनेमिक नेचर का बन गया है पार्ट, अब आप इसको समझिए, समय देखिए छात्रों काफी तेजी से निकल रहा है, लेकिन हम फटाफट करके बता दें कि सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, सोशल मूवमेंट पहले भी आप पढ़ते थे और उसके जो प्रोटेस्ट थे, जो उनके विरोध थे, वो भी आपको पढ़ना है, तो उसमें जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ते थे ठीक है ना, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, ये हो गया डिसेबिलिटी, रिलीजन एंड रीजन की बात की जा रही है, कि जो धर्म और क्षेत्र पर आधारित आंदोलन, सिविल सोसाइटीज पर अच्छा खासा क्वेश्चन हमेशा बनता था, सिविल के अंदर में जो सिविल सर्विसेज का पेपर था उसमें तो बनता था, अब आपके यहाँ आ गया है ठीक है ना, तो इस तरीके से सिविल सोसाइटी एंड सिटीजनशिप का जो पार्ट है, मतलब ये देखा जाए तो थोड़ा सा डायनेमिक नेचर, जैसे आईएएस में आपने देखा होगा कि मेंस में जिस तरीके से पूछा जाता था उस पंडे को, एनजीओ देख लीजिए उसमें आता था, एक्टिविज्म पे आता था, लीडरशिप पे आता, ये सब पार्ट जो है ये थोड़ा सा सोशल मूवमेंट को लेकर के, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स पर जो है, आरक्षण और राजनीति, ये बिल्कुल हॉट मुद्दा है, अब आप आए दिन देखते होंगे इसमें क्या है, वास्तविकता क्या है, तो भाई एज ए सोशियोलॉजिस्ट आपको इसमें जानकारी होना चाहिए। आगे देखेंगे इसमें इकोनॉमी एंड सोसाइटी पर, तो ये पार्ट भी आप ऑलरेडी पढ़ते थे ठीक है ना, इकोनॉमी, इसमें एक्सचेंज की जो बातें रहती है, मतलब विनिमय, तो विनिमय के जितने भी त्यौहार हैं, गिफ्ट वाला जो पार्ट उपहार वाला हो गया, या कैपिटल पूंजी की बात हो गई, लेबर श्रम की बात हो गई, मार्केट ठीक है, ओल्ड मार्केट, मॉडर्न मार्केट, इन पर क्या इम्पैक्ट है, या मोड ऑफ प्रोडक्शन जो डिबेट है, उत्पादन की विधियों पर जो बात है, कौन मशीन से बनाएगा, कौन हथकरघा उद्योग से बनाएगा, तो ये सब आपको आना चाहिए, मतलब गांधी जी के बारे में क्या, मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या आता है ठीक है ना, या इसमें स्पेंसर कैसे पूंजीपतियों का सपोर्ट कर रहा है, तो इस पर जो है आपको, यहाँ पर देखिए एक पार्ट आ जाता कि प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशन के बारे में, संपत्ति और संपत्ति संबंध, संपत्ति का जैसे बंटवारा को लेकर के, जो महिलाओं को, जो अभी लड़कियों को जो है दिया गया इसमें संपत्ति में स्थान दिया गया है, या भी इसको मूल अधिकार से हटा करके एक स्टेटरी बॉडी बना दी गई, एक लीगल एक्ट बना दिया गया, तो ये इस पर, इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आया, ये आपको स्टडी करना है। स्टेट एंड मार्केट की बात है, पहले भी स्टेट एंड मार्केट की बात की जाती थी, जैसे आप स्टेट मार्केट को लेकर के देखिए स्पेंसर क्या कहता है, कि लेस इज फेयर पॉलिसी होनी चाहिए ठीक है ना, कि मतलब स्टेट को मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अब लेकिन चूंकि हस्तक्षेप कर रहा है तो कितना करना चाहिए, वेलफेयरिज्म कैसे होगा, न्यू लिबरलिज्म कैसे होगा, जैसे अब आप इस समय देख रहे होंगे कि वेलफेयरिज्म चल रहा है ठीक है ना, कल्याणवाद चल रहा है इस समय, कल्याण का भारत सबसे पहले 1948 में अपने आप को कल्याणकारी राज्य घोषित कर दिया ठीक है, आजादी के बाद ही ऐसे न्यू लिबरलिज्म आ गया ठीक है ना, न उदारवाद का क्या है, उदारवाद तो जान रहे थे, अब न उदारवाद के अंतर्गत क्या पार्ट आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के बहुत सारे मॉडल दिए गए थे ठीक है ना, आजादी के पहले से ही बहुत सारे मॉडल दिए गए, उन सारे मॉडलों को पढ़ना, और साथ ही साथ में जो आपकी पंचवर्ती योजना है उनको भी आपको पढ़ना, कि प्रथम मॉडल क्या था, द्वितीय मॉडल। यहाँ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन की बात की जा रही है, कि जो गरीबी है या अपवर्जन जो है ठीक है, कैसे लोग अपवर्जित हो जाते, इनके बारे में, तो ये जो पैटर राम आहूजा साहब की पुस्तक से पढ़ सकते हैं, इंडियन सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो इंडियन सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, भारतीय सामाजिक सोशल प्रॉब्लम है, उस पे आपको आ जाएगा। फैक्ट्री एंड द इंडस्ट्री सिस्टम, फैक्ट्री सिस्टम क्या, इंडस्ट्री सिस्टम क्या होता है, कारखाना उद्योग प्रणालियां क्या होती, कैसे बात करती हैं, मतलब कैसे वर्कआउट उसमें होता है, किस तरीके से सोसाइटी पर इम्पैक्ट आता है, ये आपका पार्ट आपको पढ़ना। चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशन की बात है, चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशन, अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि जो श्रम संबंध है
उनकी प्रकृति बदल रही है धीरे धीरे करके, वो भी मालिक की तरफ में बन रहे हैं, कैसे उनका तरीका बदल रहा है, तो अब क्या पैटर्न नए पैटर्न आए उस पर आपको स्टडी, मतलब पूरा डायनेमिक पार्ट है। जेंडर एंड लेबर प्रोसेस की बात है, मतलब लेबर में जो जेंडर की बात की जा रही है उसको, लिंग और श्रम किस तरीके से हमारा लैंगिक भेदभाव देखा जा रहा है भारत के अंदर में इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसकी आपको स्टडी करनी है। बिजनेस एंड फैमिली, तो बिजनेस की बात की जा रही है और फैमिली यानी कि आपके यहाँ जो कारोबार है और वो परिवार से कैसे जुड़ जाता है। देखते नहीं है कि जैसे व्यापारी है, व्यापारी के बच्चे व्यापार का काम कैसे सीख लेते हैं और फिर कैसे आगे बढ़ने, मतलब एक तरफ जजमानी सिस्टम समाप्त हुआ तो वो एक इनफॉर्मल तरीका था छात्रों, ठीक है ना, जजमानी, लेकिन वही जजमानी सिस्टम नया रूप धारण कर लिया। अब बिजनेस जो आप कर रहे हैं, जो भी आदमी है, कास्टिज्म से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति जिस बिजनेस को कर रहा है उसके परिवार वाले ऑटोमेटिकली उस बिजनेस को सीख जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस और फैमिली इस तरीके से जो नया ट्रेंड आया हुआ है इस पे क्या नजरिया है, इसको करना। डिजिटल इकोनॉमी की बात की जा रही है, अब भाई पैसा करेंसी में कैसे इस तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है, उसमें ई कॉमर्स ई वाणिज्य क्या होता है, ग्लोबल बिजनेस की बात की जा रही है, ठीक है ना, वैश्विक कारोबार हो गया, कारपोरेट्स हो गए, इन पे टूरिज्म एक नया बिल्कुल चैप्टर है, तो टूरिज्म पे देखते होंगे कि आज दिन ये जो योजना पत्रिका है या कुरुक्षेत्र है इस पे बहुत अच्छा खासा निकलता है, लेख निकलता है, लेकिन चूंकि पहले आता नहीं था तो इस पे आप लोग फोकस नहीं करते, तो अब इस पे फोकस करना है, मतलब जैसा कि सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट, क्योंकि टूरिज्म से क्या हो सकता है, कैसे टॉलरेंस हो सकता है, सहिष्णुता को बढ़ावा मिल सकता है, इकोनॉमी मजबूत हो सकती है, ठीक है ना, या डाइवर्सिटी इन यूनिटी का पार्ट कैसे बन सकता है, टूरिज्म किस तरीके से मतलब जो है फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ये सब पूरा का पार्ट पार्ट है। कंजम्पशन की बात की जाए, उपभोग, अब इस समय देखिए उपभोक्तावाद चल रहा है, ठीक है, कंज्यूमरिज्म चल रहा है, कैसे क्या है उपभोग और उपभोक्तावाद से, तो इस पे आपको स्टडी करना है, ये आपका इकोनॉमिकल पार्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस समय जैसे उत्तर आधुनिक समाज है तो उस पे देखिए कंज्यूमरिज्म चल रहा है, ठीक है ना, या पोस्ट कंज्यूमरिज्म की उत्तर उपभोक्तावाद की बात चल रही है, तो इस पे आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट देखिए एनवायरमेंट एंड सोसाइटी सेवेंथ यूनिट है, तो ये पूरा का पूरा पूरा एनवायरमेंट आपको पढ़ना, तो इसमें जो मतलब दृष्टि आईएएस की एक बुक है, बिल्कुल पिक्चर्ड बुक है, अगर उस बुक को अगर आप ले लेते हैं तो पूरा का पूरा पार्ट, क्योंकि इसमें सब कुछ आ रहा है, जितने भी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, चार पांच एनवायरमेंट मूवमेंट है, वही आपको इंडियन कॉन्टेस्ट में स्टडी करनी है, ठीक है ना। क्लाइमेटिक चेंज की बात की जा रही है, इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या आ रही है, जो नए नए एजेंडा 21 और ये सब चीजें आ रही है उसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर के पूरा आपको जानना, मतलब कौन कौन सी ट्रीटी हो रही है, क्या बन रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कितने प्रकार, पब्लिक हेल्थ में क्या दिक्कत हो रही है, डिसेबिलिटी कहाँ से आ रही है, ये पूरा का पूरा पार्ट, डिजास्टर जो आपदाएं हमारे पास पे प्राकृतिक आपदाएं, कम्युनिटी रिस्पॉन्स कैसे उस पर कर रही है, वाटर एंड सोशल एजुकेशन, मतलब ये जो जितनी भी हमारी ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही थी उन सबको रखा गया, क्योंकि छात्रों ये भी समस्या कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्या है, इसीलिए इसको रखा गया। भाई आप किसी शहर में रह रहे हैं, आप गंदे नहीं कर रहे हैं, बहुत साफ सुथरा है, लेकिन चूंकि वो शहर ही गंदा है तो उस गंदगी का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, तो इसीलिए इन्वायरमेंट को सोसाइटी से डायरेक्ट जोड़ करके जो भी पैटर्न है, चाहे एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी में टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आ रहे हैं, सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी का जो पार्ट है, हमारे यहाँ देखिए भारतीय संस्कृति में तो पेड़ पौधों इनको पूजा करना ये सब का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जबकि कुछ जगहों पर ये सब चीजें नहीं है, पेड़ काट डालते हैं, लेकिन इन सब चीजों को पूरी पूरी स्टडी भी आपको करनी है, सोशल कल्चरल आस्पेक्ट में करना है, तो इस पे आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं, अच्छा इस पे काम कर सकते हैं, और तमाम सोशियोलॉजिकल जैसे मैनुअल कस्टल के बारे में बताया तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं थोड़ा सा इस अप्रोच को। फिर देखिए फैमिली से 8 यूनिट देखा जाए, मतलब एक आपको पूरा एनवायरनमेंट की एक यूनिट बना लेना है, इसको मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन तो कम से कम आपको पूरे के पूरे यहाँ से आई जाने हैं, ठीक है। अब आप देखिए फैमिली मैरिज एंड किनशिप की बात कीजिए, तो ये पुराना अपने पास में जितने फैमिली लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, क्रिमिनल अगेंस्ट वुमेन, तो ये ऑनर किलिंग हो गया, तो ये जो खाप पंचायतें, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये तो पूरा आपका जो समस्या वाला पार्ट है, भारतीय सामाजिक समस्याएं, राम ऊजा वाली पिता, चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस में अगर बात करेंगे, जैसे ये आपको जो पढ़ना है उसमें आप कर सकते हैं, जैसे नदीम हसनैन साहब की बुक है, तो नदीम हसनैन साहब का जो बुक है उस सोशियोलॉजिकल या समकालीन भारतीय समाज में जो परिवर्तन है वो इनकी पुस्तक है, उससे आप ये कंटेम्प्रोरी सोशियोलॉजिकल चेंज इन इंडिया नदीम हसनैन की बुक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो फैमिली मैरिज कंसेप्ट है वहां से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, कि इसमें चिल्ड्रन यूथ एल्डरली इमोशंस फैमिली इमरजेंस एंड फॉर्म ऑफ फैमिली, ये पूरा का पूरा पार्ट वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की अगर बात की जा रही है तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये भी आईएएस में दिया गया ये पार्ट पूरा, ठीक है ना, सीएन शंकर राव वाली पुस्तक से इसको आप अच्छा खासा प्रिपेयर कर सकते हैं वहां से, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश मीडियम में है
जो हिंदी में माध्यम के विद्यार्थी हैं उस पर नोट्स मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ, वहां से नोट हमसे प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। लास्ट देखिए दसवीं यूनिट की बात, देखिए साइबर क्राइम वगैरह हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब नई चीजें बिल्कुल आई हुई है, ठीक है छात्रों। इसमें टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशन, टेक्नोलॉजी ने चेंजिंग फैमिली रिलेशन, अब आदमी दूर दूर बैठा हुआ कैसे मास मीडिया का उपयोग करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके, ठीक है ना, कैसे जुड़ा हुआ है अपने हेल्थ सिस्टम को लेकर के, कई नए टेक्नोलॉजियां आ गई हैं तो कैसे आप जान सकते, ये पूरा पार्ट, और इसने सोसाइटी को कैसे चेंज किया हुआ, ठीक है ना, अब जो लोग जुड़े हुए हैं कैसे उसमें चेंजिंग बदलाव आ रहा है, तो ये सब पूरा पार्ट जान सकते हैं। कल्चरल एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये लास्ट दसवीं यूनिट है, तो कल्चरल की बात की जाएगी तो यहाँ साइन एंड सिम्बल्स की बात की जा रही है छात्रों। साइन एंड सिम्बल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारे संकेत है, प्रतीक, तो संकेत और प्रतीकों की बात कल्चर में कौन स्टार्ट करता है, मीट करते हैं, तो मीट से आपको यहाँ से शुरुआत करना है। रिचुअल्स, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ये धर्म वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे, अब अलग से छोटे छोटे यूनिट में इसको पढ़ना है। चेंजिंग मटेरियल कल्चर, जो हमारे यहाँ बदलती हुई, देख लीजिए कि भौतिक संस्कृति है कितना तेजी से भौतिकतावाद, यानी जो कल्चरल लैग की बात करते हैं कि भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति जो हमारी पीछे रह जा रही, तो ये आपको यहाँ पढ़ना। मोरल इकोनॉमी की बात, अब देखिए कि लोग अभी क्या है कि पूंजीवादी व्यवस्था मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेशन चल रहे थे, लेकिन अब नैतिक अर्थव्यवस्था को डेवलप करने की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो नैतिक अर्थव्यवस्था क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, कैसे वो चीजों को आपके लिए महंगाई कम करने, तो इसको मोरल इकोनॉमी कहते हैं, नहीं तो फिर लाभ ही लाभ रहे, लोग लाभ लें, लेकिन मोरल इकोनॉमी। एजुकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल, भाई एजुकेशन है उसमें आपके कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आप करो, उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, मतलब शिक्षा का औपचारिक और अनौपचारीकरण क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है। रिलीजन का पूरा पार्ट है, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन जो है, धार्मिक संगठन है, या पिटी हो गया जो धर्म निष्ठा होती है, या स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता जो भारतीय संस्कृति का मेन गुण है, इसको आपको ये आप देखो। कॉमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, जो रिचुअल्स हैं हमारे अनुष्ठान है उनका वस्तु कर, धार्मिक अनुष्ठान, अब आप देख लीजिए अगर बड़ा मंगलवार हो रहा है तो बड़े मंगलवार में हनुमान जी को भंडारा कराना है, तो भंडारे में छोटी सी फोटो हनुमान जी की है और बड़ा सा प्रचार पीछे बना हुआ है, तो इसका मतलब किया कि इस तरीके से ये क्या कॉमोडिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब जो रिचुअल्स हमारे संस्कार है उनको भी कॉमोडिफाई किया जा रहा है, अर्थात उनका भी वस्तुकरण कर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ कम्युनिज्म एंड द सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म किस तरीके से सांप्रदायिकता कैसे फैली, धर्म निरपेक्षता बात क्या है जिसको हम अपना करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कल्चरल आइडेंटिफिकेशन मोबिलाइजेशन का जो पार्ट है, जो सांस्कृतिक पहचान है, लामबंदी मोबिलाइजेशन करने का काम कर रहे हैं इस तरीके से, ये जो आंदोलन के माध्यम से, ये पार्ट कल्चर एंड पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को जो राजनीति है उसको संस्कृत, जो हमारे राजनीतिक संस्कृत उसके बारे में स्टडी करने की, संस्कृत और राजनीति कहते हैं। आप देखिए जेंडर बॉडी एंड कल्चर की बात है, भाई जेंडर है, लिंग है, देह है, जो संस्कृत है, इन सबका आपस में रिलेशन क्या, आर्ट एंड एस्थेटिक्स। अब देखिए सौंदर्य बोध विज्ञान, भाई कला है और हमारे यहाँ सौंदर्य बोध का विज्ञान, इस चीज को एक नया सिलेबस के रूप में देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाई कला का इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, किस प्रकार की कलाएं किस प्रकार से इम्पैक्ट डालने का कार्य करती है, टूरिज्म से कैसे जोड़ सकते हैं, है ना, या अन्य चीजों से कैसे जोड़ सकते हैं इसको भी। एथिक्स एंड मॉरलिटी की बात की जा रही है, तो एथिक्स एंड मॉरलिटी, अब देखिए जीएस में आपने देखा होगा एक पार्ट ही जोड़ दिया गया, अब यहाँ एथिक्स का मतलब क्या हो गया कि पूरा नीति शास्त्र जो आचार शास्त्र है हमारा, और मॉरलिटी नैतिकता, ये किस तरीके से समाज के लिए जरूरी पॉइंट है, मतलब ये पार्ट क्या है, जैसे एक मॉडर्निटी आपने पढ़ा होगा, तो मॉडर्निटी मतलब क्या होता है छात्रों की, वहां पर रेशनलिटी होती है, ठीक है ना, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निटी है एथिकल होता है, वहां पर मॉरल, वहां पर सब्जेक्टिविटी होती है, वहां ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, तो उस अप्रोच में आपको इसको भी पढ़ना है। और नेक्स्ट देखिए पिलग्रिमेज, रिलीजियस टूरिज्म, और ये वाला पार्ट आ जाता है कल्चर एंड एनवायरमेंट वाला पार्ट, और न्यू रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, न्यू जो नूतन धार्मिक आंदोलन है, सांस्कृतिक पर्यावरण है, इन पे आपको स्टडी करनी है। तो इस तरीके से पूरा मिलाकर के छात्रों ये है कि आप बेहतरीन तरीके से हमारे साथ में लगें, और अब इसमें करना क्या है कि जब आप बेहतरीन तरीके से हमारे साथ लगते हैं तो हम आपको इसी मार्च के लास्ट तक जितने नए टॉपिक्स हैं उनको खासतौर से थिंकर वाले पहले कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट मंथ में हम ये वाला पार्ट आपको कवर कर लेंगे। तो जैसे जैसे मैटर मिलते जाएं, जो लोग इंटरेस्टेड हों कि जिनके पास में है कि पुराना मैटर है और पुराने जो टॉपिक हैं उनको आप तैयार कर लें, नए टॉपिक मार्च लास्ट में हमसे ले लें थिंकर वाले, और उसके बाद में अगले अप्रैल में, अप्रैल लास्ट तक हमको ये जितने नए टॉपिक्स हैं इन पे सब पे आपको मैटर अवेलेबल हो जाएगा, ऑथेंटिक मैटर अवेलेबल होगा छात्रों, गाइडें भी मार्केट में छप रही हैं, जल्दी ही आपको मिलेंगी, लेकिन तमाम प्रकार की गलतियां जल्दी जल्दी और बहुत सारी चीजें कटपिट करके करेंगे, मतलब कोई ऑथेंटिक बैठ करके मेहनत करने वाला नहीं, मतलब अगर ये होता तो मैं भी आपको जल्दी बना करके प्रस्तुत कर सकता, लेकिन चूंकि मेरी क्लास में जो लेक्चर्स होते हैं वो जो लेक्चर्स स्टूडेंट के द्वारा लिखे जाते हैं उन्हीं लेक्चर्स की फोटोकॉपी आपके पास में पहुंचाते हैं। धन्यवाद छात्रों।